गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों? ऑनलाइन वाले मैसेज के तो इस पे तो नहीं दिखेगा ना। चलो ठीक है। चलो जी बच्चे, क्या सीख रहे थे हम लोग कल? कल कहाँ तक सीखा था हमने? चार्ल्स लॉ हो गया था, बताओ आज क्या सीखोगे? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जेलुसैक्स लॉ होता है, ओके, एंड एवोगाड्रोज लॉ एंड डाल्टन्स लॉ, पार्शियल प्रेशर, इक्वेशन ऑफ स्टेट और आइडियल गैस इक्वेशन, और ये होता है आपका आ जाओ रिलेशन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद ये होगा हमारा एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, उसके बाद क्या है मैक्सवेल लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है, और उसके बाद मीन फ्री पाथ, उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये सब पढ़ लेते हैं। चलो आज ख़त्म हो जाएगा ये, उसके बाद प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। चलो क्या सीखे थे हम लोग? कल सीख लिया था ना हम लोग क्या बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में क्या होता है फॉर गिवन मास वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वही ना, वॉल्यूम क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या फिर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। दूसरा चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो चार्ल्स लॉ में क्या हो जाता है बताओ? तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2, ओके। ग्राफ समझ गए थे सब लोग? एक बार फिर से रिकॉल कर लो ग्राफ को जल्दी से फटाफट। बॉयल्स लॉ में दे देगा दो ग्राफ दे देगा, कांस्टेंट मास M1 पे, कांस्टेंट मास M2 पे, कौन सा मास ज़्यादा होगा उसमें ही कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे और कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये सब पूछा जाएगा आपसे, ओके। पीवी का वी के साथ क्या होगा और पीवी का पी के साथ क्या होगा, ये सब देख लिए हम लोग। और उसके बाद चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो वीटी ग्राफ कैसा होगा बताओ? और वीटी ग्राफ में ही दो ग्राफ दे दिया, कांस्टेंट प्रेशर P1, कांस्टेंट प्रेशर P2 पे, तो किसके लिए प्रेशर ज़्यादा है, किसके लिए प्रेशर कम है, सब चेक कर लिए। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा, हम जेलुसैक्स लॉ बोलते हैं इसको, जो बोलो। चलो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो होता है एट एम कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट होगा और टी कांस्टेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी बी कांस्टेंट होगा यहाँ पे, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इट मीन P1 बाय P2 इक्वल टू T1 बाय T2। नोट डाउन करो, ग्राफ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पीटी ग्राफ, पी वर्सेस टी। सब में क्या होता है बेसिकली पीवी इक्वल टू एनआरटी हम लोग यूज करेंगे तो इससे सब पता चलता चलेगा आपको। उसके बाद होता है एवोगाड्रोज लॉ, नोट कर लिए इसको? एवोगाड्रोज लॉ में क्या होगा, एवोगाड्रोज लॉ कहता है कि इफ
t equal to constant and p equal to constant, then equal volume contain equal number of mole. V1 by V2 equal to N1 by N2. N1, N क्या है? Number of mole. Equal number of mole करने का मतलब equal number of molecule और equal number of atom. इसको याद कर लेंगे. हो गया, समझ गए इसको? बोलो, आगे बढ़े. नाउ एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है, वो क्या बोलता है? आपने पढ़ा होगा ना, इन ए मिक्सचर ऑफ गैस इन कंटेनर. मान लो कि एक कंटेनर है, तो कंटेनर में दो तीन गैस है, हीलियम भी है, ऑक्सीजन भी है, CO2 है, सब कुछ है. ओके, तो सबके लिए CO2 के लिए भी वही वॉल्यूम है जो कंटेनर का वॉल्यूम है, हाइड्रोजन के लिए भी वही वॉल्यूम होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा, और ऑक्सीजन के लिए भी वही वॉल्यूम होगा जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा. समझ गए? तो वॉल्यूम सबके लिए क्या होगा? सेम होगा, इक्वल होगा, जो कि कंटेनर का वॉल्यूम होगा. गैस का तो अपना वॉल्यूम होता ही नहीं है, उसको जिसमें जिस कंटेनर में रख दोगे उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा. क्लियर है? सो वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा. वॉल्यूम की बात करेंगे तो फॉर एनी गैसेस वॉल्यूम जो होगा कॉन्स्टेंट, और वो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. सब कोई कहाँ से प्रूफ हो रहा है? हमने एक किया था ना, पी वी इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस. बताओ, हाँ है ना? और यहाँ पे एक जो होता है यहीं से आता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी. पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो इसी का यूज करके हम लोग करते हैं क्या? ये जो होगा, इसको मिटा दो डायरेक्टली, आपको ये याद रखना पड़ेगा. नोट कर लिए? चलेगा, कोई कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरह से कर लो. सो पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर जो होता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, और इसको हम कह सकते हैं मोल फ्रैक्शन. क्या आपने पढ़ा होगा ना फिजिकल में, मोल फ्रैक्शन?
हो गया बच्चे बोलो। सो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, एक कंटेनर कंटेन 3 mole ऑफ H2, 2 mole ऑफ O2 एंड 1 mole ऑफ N2। ओके, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर जो होगा इन कंटेनर इज 60 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ओके, देन प्रेशर ड्यू टू H2 क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू O2 क्या होगा, प्रेशर ड्यू टू N2 क्या होगा। तो लाइव स्ट्रीमिंग में बहुत सारा का नेटवर्क का अच्छा नहीं रहेगा तो दिक्कत होता होगा काफ़ी। ये लाइव स्ट्रीमिंग है या वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग? लाइव है, उसमें तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है अगर सिग्नल सही से नहीं है तो। प्रेशर इन कंटेनर 60 एटमोस्फेरिक है, आपको पता है कि सबके कारण जो होगा प्रेशर जो होगा उसके मोल के अकॉर्डिंग होगा। सो अगर हम बात करेंगे सॉल्यूशन की बात करेंगे तो ये जो होगा प्रेशर ड्यू टू H2 प्लस प्रेशर ड्यू टू O2 प्लस प्रेशर ड्यू टू N2 कितना है, टोटल प्रेशर 60 एटमोस्फेरिक प्रेशर। एंड आपको पता है PH2 रेशियो PO2 रेशियो PN2 क्या हो जाएगा, मोल देखो क्या है, H2 का 3 है, O2 का 2 है, इसका 1 है। तो आप क्या करोगे 60 को 3:2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दोगे। तो अब रेशियो में डिवाइड करना आता है ना सबको, सबसे पहले टोटल को क्या करेंगे, सारे रेशियो का सम करते हैं, 3+2+1 क्या करते हैं, 3+2+1 करते हैं। ओके, तो सारे टोटल जो होता है ना क्वांटिटी उसको जितने भी रेशियो में डिवाइड करना है तो सारे रेशियो को सम अप करो और उसको टोटल क्वांटिटी को उस सम से क्या करो, डिवाइड कर दो और जिसको जितना हिस्सा चाहिए उसको उतना दे दो। सो प्रेशर ड्यू टू क्या होगा, PH2 की बात करेंगे तो ये क्या होगा, देखो 60 डिवाइडेड बाई क्या करोगे आप, 3+2+1 करोगे और इसका जो कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा है तो दे दो इसको 3 हिस्सा, तो ये हो गया आपका 30 एटमोसफेयर। PO2 की बात करेंगे तो फिर से टोटल को डिवाइड करो, 3+2+1 से डिवाइड कर दो और इसको कितना है, कितना हिस्सा है, 2 है, दे दो 20 एटमोसफेयर। हाँ आ जाओ, PN2 की बात करेंगे तो 60 को टोटल से डिवाइड करो, 3+2+1 और इसका कितना हिस्सा है, 1, तो 10 एटमोसफेयर। समझ गए, सो याद रखेंगे कोई क्वांटिटी है उसको रेशियो में डिवाइड करना है तो आप इसी मेथड से आसानी से करेंगे, जो जितने भी रेशियो में डिवाइड करना है उसको सम अप करो और टोटल को सम से डिवाइड करो और जिसको जितना हिस्सा चाहिए ले जाओ।
हो गया बच्चे, नोट कर लिया यहाँ तक, आगे प्रोसीड करें। चलिए आप पढ़ते हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर सब कुछ कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर सब कुछ कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अंडर रूट डेंसिटी। सो R1 बाय R2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट रो 2 बाय रो 1। याद रखेंगे इतना ही, हमें फिजिक्स में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना होता ये। हो गया जी बच्चे। चलिए नेक्स्ट जो हमारा होगा, अब ये देखो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लॉ के बारे में तो पढ़ ही लिए लगभग हम लोग, नहीं सारे हो गए ना, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाड्रोज लॉ, डाल्टन्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, ये सब हो गए, सबको दे ध्यान में रखेंगे। क्लियर है जी। चलिए नेक्स्ट जो है हम क्या पढ़ लें, रिलेशनशिप बिटवीन, ये इम्पोर्टेंट होगा। प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी, ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स। ओके, तो प्रेशर क्या जानती है बताओ, प्रेशर क्या होता है, 1/3 रो वी स्क्वायर आरएमएस, सब कोई हम लोग एक्वेंटेड हैं इस एक्सप्रेशन से। इधर बोर्ड पे ध्यान दे लो, उसके बाद नोट कर लेना। सो पी इक्वल टू 1/3 रो वी आरएमएस होता है, और काइनेटिक एनर्जी का आप जनरल फॉर्मूला क्या जानते हो? ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी जो होता है जनरली जो होता है ½mv². एम क्या होगा, मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, यही ना। सो ये मास ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे यहाँ पे। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये क्या हो जाएगा, ½mv² / V। तो ये क्या हो गया, ½ρv² हो गया, समझ गए। जनरली जो V क्या होता है, V RMS ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं ½mv² RMS
और इसको भी लिख सकते हैं हम हाफ रो वी स्क्वायर आर एम एस। अब देखो यहाँ पे ये जो होगा पी वी की बात करेंगे, चल ठीक है जी। तो ये इसकी बात कर लो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी को हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है अब, हाँ ठीक है चलेगा। और ऐसे लिखोगे तो पी की बात करेंगे तो 1/3, और ये जो है आपका रो की बात करेंगे तो आप एम वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइडेड बाय वी, इसको लिख सकते हैं बताओ, हाँ है ना। ये वी क्या होगा, ये वाला बड़ा वाला वी लिखेंगे, वॉल्यूम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, पी वी इक्वल टू 1/3 एम वी स्क्वायर आर एम एस, बोलो हाँ है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि पी वी को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/3 इंटू टू इंटू हाफ एम वी स्क्वायर आर एम एस, बताओ है ना। और ये जो है पी वी जो हो जाएगा 2/3, और इसको ही तो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी जनरली जो है ना, और उसको ई से डिनोट किया गया है तो यहाँ पे ई दे देंगे, समझ गए, इसको याद रखोगे। नोट करो, हो गया बच्चे नोट कर लिए यहाँ तक, बोलो इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स आएगा ना।
सो यहाँ पे ई क्या होगा बताओ, टोटल काइनेटिक एनर्जी, क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल, ओके, या फिर आप मीन काइनेटिक एनर्जी को आप करना चाहोगे, सो मीन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ई जो है ई टोटल लिख दो, और फॉर मीन काइनेटिक एनर्जी करने का मतलब काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, हाँ पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, देन ये क्या हो गया P इक्वल टू 2/3 E, देन P इक्वल टू 2/3 E, हो गया समझ गए यहाँ तक, चलिए इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे पी वी इक्वल टू 2/3 ई टोटल होगा और पी इक्वल टू 2/3 ई, याद रखेंगे मीन काइनेटिक एनर्जी के टर्म में प्रेशर को किस तरह से लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नाउ हम बात करेंगे मीन फ्री पाथ एंड क्या कहते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के रिगार्डिंग, मीन फ्री पाथ क्या होता है बताओ, समझ लो पहले, कंटेनर में गैस होगा तो गैस क्या होगा, सब अपनी अपनी जगह पे थोड़े ना होगा, ऐसा मतलब सब रूल फॉलो करने वाला थोड़े ना होगा कि टकराना नहीं है ये नहीं, वो तो रैंडमली मूव करते रहता है, तो रैंडमली मूव करेगा तो उसमें क्या होगा, आपस में कोलिजन होते रहेगा, समझ गए, सो कोलिजन होते रहता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ कोलिजन उतना ही ज़्यादा हो जाता है, ओके, सो मीन फ्री पाथ कहने का मतलब दो कोलिजन के बीच में, जब वो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं फ्री पाथ, क्लियर बात है, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, फ्री पाथ, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल और एटॉम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, क्लियर है बात खत्म, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड by molecule or atom between two successive collision. इसको लैम्डा जो होता है ये होता है 1/√2d²n, ये होता है जी 2π होगा यहाँ पे,
टू पाई डी स्क्वायर इंटू एन, एक बार चेक कर लेने दो मुझे, मैं भूल जाता हूँ बार बार इसको देखता हूँ लेकिन मैं बार बार भूल जाता हूँ इसको। हाँ, अंडर रूट टू पाई डी स्क्वायर एन। अब यहाँ पे कहोगे सर डी क्या है और एन क्या है, तो डी होता है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, क्या एन, एन क्या होगा मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन बोल सकते हैं इसको, क्या कंसंट्रेशन, और फिर आप बोल सकते हो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है जी आयुष समझ गए। नाउ हम बात कर लेते हैं, हो गया नाउ क्या बात करनी बताओ जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिगार्डिंग बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो ये क्या होता है नंबर ऑफ वे, क्या नंबर ऑफ वे इन विच मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल कैन बी डिस्क्राइब, या मोशन ऑफ ए बॉडी कैन बी डिस्क्राइब। जैसे कि मान लो कि ये इस तरह से मूव कर रहा है, समझ गए, तो ये मूव कर रहा है तो ये इसका ट्रांसलेशनल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो अगर मान लो एक मॉलिक्यूल है तो वो रैंडम मोशन के साथ रहता है तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जेड के लॉन्ग, तो तीन ट्रांसलेशनल हो गया, कितने तीन ट्रांसलेशनल हो गए। अब क्या है ये इधर है इधर जा रहा है तो ये तो रोटेट भी कर सकता है एक्स एक्सिस के अबाउट, ऐसा कर सकता है, वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, समझ गए, सो तीन रोटेशनल हो गया, समझ गए, सो तीन ये इसके रोटेशनल हो सकते हैं तीन। अब जनरली क्या होता है और उसमें सॉलिड में बात जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वाइब्रेट भी करता है, एक्चुअली वो सॉलिड के केस में आता है, वाइब्रेशनल एनर्जी वाइब्रेट भी तो करता है, एटॉम और मॉलिक्यूल अपने मेन पोजिशन के अबाउट क्या होता है ऑसिलेट या वाइब्रेट भी करता है, जनरली वो सॉलिड में होता है, गैस में बहुत हाई टेम्परेचर पे वो कंसीडर करते हैं हम, ओके। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो क्या होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर विद व्हिच अ मोशन ऑफ ए मॉलिक्यूल और सब्सटेंस कैन बी डिस्क्राइब, ओके क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको फिर, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट
parameter. Required to describe completely describe the motion of particle or body completely. ठीक है, बोलो जी बच्चे. सो मोनो एटॉमिक की बात करेंगे तो मोनो एटॉमिक गैस एक ही एटॉम है भाई. इधर ध्यान दे लो, पहले समझ लो, उसके बाद नोट करना. एक ही एटॉम है, समझ गए. बहुत छोटा सा होता है एटॉम का साइज, तो एटॉम इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है. तो तीन ट्रांसलेशनल तो हो ही गए जी, और तीनों के अबाउट रोटेट भी कर सकता है. मान लो कि यहाँ पे है एटॉम और ये एक्स एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट कर सकता है, ये वाई के अबाउट ऐसा रोटेट कर सकता है ना. और फिर ये जेड के अबाउट भी क्या होगा, रोटेट कर सकता है इस तरह से. क्लियर है? तो तीन रोटेशनल होंगे, बट तीन रोटेशनल में से इसका दो ही रोटेशनल कंसीडर करेंगे. तीन रोटेशनल हो सकते हैं, तीन रोटेशनल होंगे, बट अगर मोनो एटॉमिक है तो उसका देखो ये एक्सिस होगा. एटॉम का साइज क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है ना, यहीं पे ये छोटा सा होगा. अगर ऐसा मान लो कि बॉडी है स्फेरिकल फैला हुआ, तो तब तो इसका जो है इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा. लेकिन अगर पॉइंट है, बिल्कुल इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, बहुत साइज छोटा होता है, तो इस एक्सिस पे अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तो एक्सिस से जो सेपरेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास क्या होगा, नेगलिजिबल होगा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोनो एटॉमिक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. इसके पास सिर्फ क्या रहता है, तीन ट्रांसलेशनल. कितना? हाँ, तो मोनो ओनली है थ्री ट्रांसलेशनल. Degree of freedom. All rotational degree of freedom की बात करेंगे is to be considered as zero because moment of inertia is negligible. So, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम बी स्क्वायर, बट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. समझ गए? क्योंकि आई जो होगा जीरो होगा. एक्स एक्सिस के अबाउट निकालो या वाई एक्सिस के अबाउट निकालो या जेड एक्सिस के निकालो. तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक
काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आप लिख सकते हैं हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। एम क्या होगा? मास ऑफ मॉलिक्यूल, बट हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर जीरो एज आई एक्स जीरो। आई एक्स क्या होगा? जीरो। हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर जीरो एज आई वाई क्या हो गया? जीरो हो गया। हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर जीरो एज आई जेड क्या हो गया? जीरो हो गया। समझ गए बच्चे? चलो समझ गए यहाँ तक? बोलो हाय ना। चलो तो मोनो एटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? मोनो एटॉमिक गैस करने का मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, आइडियल गैस जो होता है वो क्या होता है? मोनो एटॉमिक होता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक गैस F जो होगा, बेसिकली F से डिनोट करते हैं इसको, F से। ओके, याद रखेंगे। ये क्या होगा? 3। क्या होगा? 3 ओनली ट्रांसलेशनल। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायटोमिक गैस के लिए बात करेंगे तो डायटोमिक गैस की बात करो तो डायटोमिक गैस जो हो जाएगा आपका मोनोएटॉमिक गैस में, जैसे कि आप लिख लो हीलियम, आर्गन, नियोन और कोई है। डायटोमिक गैस की बात करेंगे तो ये हो गया H2O2N2ETC। ओके, सो CO2 की भी बात करते हैं तो डायटोमिक गैस एंड लीनियर
पॉली एटॉमिक। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, याद रखोगे कितना होता है, 5 होगा। कितना? 5। क्या 3 ट्रांसलेशनल? बहुत बढ़िया। प्लस 2 रोटेशनल। अब इसमें 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल में चेक करो तो थ्री ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल की बात कर रहे ना, तो इसमें देखिए तो क्या होगा, जैसे कि ये मान लो डायटॉमिक है तो ऐसा होगा सेप मॉलिक्यूल का होगा। सो इसमें देखो मॉलिक्यूल तो ये है आपका, तो इस एक्सिस के अबाउट देखो ये तो ट्रांसलेट किधर भी कर सकता है, इधर करेगा, इधर कर सकता है, इधर कर सकता है, तो दोनों का ट्रांसलेशनल, दोनों मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी होगा और उसके अकॉर्डिंग हाफ एम वी एम वन वी स्क्वायर हाफ एम टू वी स्क्वायर कर देंगे। ओके, तो टोटल मास। लेकिन अब रोटेशन की बात करेंगे तो ये देखो ये क्या होगा, अगर मान लो कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ये वाई के अबाउट रोटेट कर सकता है और ये जेड के अबाउट, तो इसमें अगर इसके अबाउट कर रहा है तो आई जेड क्या होगा, नॉट जीरो। इसके अबाउट कर रहा है तो क्या होगा, आई वाई नॉट जीरो। बट ये मॉलिक्यूल का साइज अगेन बहुत छोटा है और दोनों उसी एक्सिस पे पड़ रहा है तो आई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ गए? सो थ्री ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल की बात करेंगे तो थ्री ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ एम वी एक्स स्क्वायर हाफ एम वी वाई स्क्वायर हाफ एम वी जेड स्क्वायर। एंड थ्री रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ आई एक्स ओमेगा, ये जीरो हो जाएगा एच आई एक्स जीरो टू रोट हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर होगा नॉट जीरो हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब दो रोटेशनल, थ्री नहीं होगा, दो रोटेशनल और 3 ट्रांसलेशनल, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा इसका 5। क्या आई ओके, हाँ हाँ, ये आई वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, जैसे ये है ना, तो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ये एक मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो ये तो बहुत छोटा है, जो एक्सिस का थिकनेस या डायमीटर होगा वही मॉलिक्यूल का अप्रोक्सीमेटली। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही जीरो हो गया, ये रोटेट भी करेगा तो इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं काउंट करेंगे, ये ट्रांसलेट करेगा तो कर सकते हैं।
ये इधर भी ट्रांसलेट करेगा तो कर सकते हैं, लेकिन अब इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, समझ गए? इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो एक यहाँ पे मॉलिक्यूल एक यहाँ पे मॉलिक्यूल, ये एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा और इसके उसके अलोंग नहीं होगा, समझ गए? नाउ हम बात करेंगे लीनियर पॉली एटॉमिक गैस की, बात करते हैं तो ये बेसिकली शायद CO2 हो जाता है, लीनियर होता है जी, CO अरे रे रे CO CO2 एटॉमिक की बात कर लेते हैं, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे तो ये क्या होगा बताओ तो, जैसे इस तरह से हो गया तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये तो रहेगा, इस तीन सबके पास होता है तीन तरह का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, हाफ एम वी वाई स्क्वायर, हाफ एम वी जेड स्क्वायर, ठीक है जी। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो रोटेशनल तो ये क्या होगा, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है तो एक्स के अबाउट भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ही, वाई और जेड के अबाउट तो होगा ही होगा, क्लियर है? सो इस केस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो ये हो गया आपका तीन डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो गया ट्रांसलेशनल के अबाउट, और तीन जो होंगे इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल के अबाउट होंगे, समझ गए? ये हो गया हाफ आई एक्स ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई वाई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई जेड ओमेगा स्क्वायर, ये कितने हो जाएंगे जी, सिक्स। ओके
हो गया। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो ट्रांसलेशनल 3 हो गया, काइनेटिक रोटेशनल 3 हो गया। तो एक याद रखेंगे, यहाँ पे समराइज कर लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक 5, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 2 रोटेशनल, डाई एटॉमिक 4 लीनियर। अच्छा ये इसमें इसका तो 3 ही होगा ना जी, 0। डायटोमिक की बात करेंगे तो लीनियर डायटोमिक एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक एंड ये जैसे कि हो गया आपका एग्जांपल लिख ही रखे हो ना, हटाओ सीधा इस तरह से। नॉन लीनियर सिक्स, अगर वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं तो इसका हो जाता है 7, क्या 7 हो जाता है। और सॉलिड है तो सॉलिड का 6 होता है, याद है। बता दीजिए, सॉरी लिख लीजिए जी। चलिए अब इसको समझ गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम अच्छे समझ गए, बोलोगे भी क्या होता है, मतलब कि इंडिपेंडेंटली आप किसी के मोशन को कितने पैरामीटर से समझा सकते हो उसको ही हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पैरामीटर रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब मोशन ऑफ बॉडी। यहाँ पे गैस की बात करेंगे तो गैसेस मॉलिक्यूल हो जाएगा, क्लियर है। सो उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। याद रखेंगे मोनो एटॉमिक कहने का मतलब, कभी कभी मोनो एटॉमिक नहीं बोलेगा, आपको क्वेश्चन में दे देगा हीलियम गैस नाम दे देगा, समझना है वहाँ पे मोनो एटॉमिक है वो, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 होगा। आपको बोल देगा O2 डायटॉमिक, ये सब कुछ नहीं बताएगा, O2 लिखा रहेगा। समझना होता है कि O2 डायटॉमिक है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, CP क्या होगा, CV क्या होगा, उस पर बातचीत करेंगे। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। नाउ हम बात करते हैं, दो चीज़ें याद रखेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है आपका E=12 kT। ओके, इसको kV भी लिख सकते हो, kV जो होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, और कल ही बताया था ना
और KV इक्वल टू क्या होता है 1.38 इनटू 10 इज टू माइनस, बताओ जी कितना पावर होता है 23 ना। और क्या होगा, ये एनर्जी है, ये केल्विन टेम्परेचर है, तो जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे T जो होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, हमने बताया कि जहाँ पर भी T को देखो सिर्फ वहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर समझना। ये याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस जो होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस जो होगा H डिपेंड्स ऑन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस डिपेंड्स ऑन, याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ओनली, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, नॉट जस्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, गैस का काइनेटिक एनर्जी क्या है, किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे, या इंटरनल एनर्जी भी बोल सकते हो इसको, इसको क्या बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी तो छोड़ो, इंटरनल एनर्जी की भी बात करेंगे। तो बेसिकली जो है कुछ भी टेम्परेचर होगा ना, तो मॉलिक्यूल्स जो है ना घूमते रहेगा, इधर उधर कोलाइड करते रहेगा, तो बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है, वही जो रैंडम मोशन के कारण जो उसका काइनेटिक एनर्जी होता है, वही क्या है, इंटरनल एनर्जी होता है। क्लियर है? सो जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तभी उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, या इंटरनल एनर्जी 0 हो सकता है। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है ओनली 0 केल्विन पे इंटरनल एनर्जी गैसेस सिस्टम का, या फिर गैसेस मॉलिक्यूल का, या जो है 0 हो सकता है, या काइनेटिक एनर्जी 0 कर सकते हैं। याद रखेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, क्या टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर लिखना है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, तो ये हो जाता है आपका हाफ KVT। यहाँ पे ये भी लिख लो, ये क्या है, पर फॉर 1 degree ऑफ फ्रीडम, यहाँ पे फॉर 1 degree ऑफ फ्रीडम, ये आता है, ये कंसेप्ट इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आता है, किससे, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से आता है। हो गया, यहाँ तक समझ गए ना, यहाँ पे हम डिस्कस कर ही लेते हैं इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें इंटरनल एनर्जी ऑफ गैसेस क्या होगा, ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, टेम्परेचर जब 0, वो भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस वाला नहीं, जब 0 केल्विन होगा तभी इंटरनल एनर्जी 0 हो सकता है सिस्टम का। क्लियर है?
इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कर लेते हैं, ओके जिसने भी इसका जो दिया उसने बोला क्या कि एक मॉलिक्यूल जो होता है एक आइडियल फादर की तरह होता है, जो कि जैसे आइडियल फादर क्या करता है, अपनी पूरी संपत्ति अपने सारे बच्चों में इक्वली डिवाइड करता है, ओके सो वैसा ही कोई भी मॉलिक्यूल जो है अपने इच डिग्री ऑफ फ्रीडम को इक्वल एनर्जी देगा, क्लियर है। सो इसमें याद रखेंगे क्या होता है, बेसिकली मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट इट्स एनर्जी इक्वली अमोंग ईच अमोंग इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट मीन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज इक्वल या पजेस लिख सकते हो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ओके सो फॉर इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे तो फॉर मोनो एटॉमिक क्या होता है, मोनो एटॉमिक में F का वैल्यू क्या होता है 3 एंड ये क्या हो जाएगा मीन एनर्जी फॉर ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है क्या लिखे थे अभी हमने हाफ के वी टी यही ना। सो इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल किसका एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल का अगर देखोगे इंटरनल एनर्जी अगर मोनो एटॉमिक है किसका मोनो एटॉमिक का क्या होगा देखो एक मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी एक मोनोएटॉमिक जो गैस है उसमें एक मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी कितना होगा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना होता है इधर ध्यान दो सब लोग एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केवीटी तो मोनोएटॉमिक के पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो कितना हो जाएगा 3 × 1/2 KVT तो 3/2 KVT समझ गए बताओ। एंड इंटरनल एनर्जी पर मोल की बात करेंगे इंटरनल एनर्जी पर मोल तो ये हो जाएगा U=3/2 RT हो गया नोट कर लिए जी बोलो हाँ है ना।
हो गया। सो जनरली अगर आप बात करोगे तो इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, पर मॉलिक्यूल क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का टोटल इंटरनल एनर्जी की बात करोगे तो क्या होगा, मोनो एटॉमिक पर मॉलिक्यूल हो गया 3/2 kVT। पर मोल की बात करेंगे तो 3/2 डायटॉमिक पर मॉलिक्यूल, 5/2 पर मोल, 5/2 RT। समझ गए। और ये लीनियर पॉलीएटॉमिक भी होगा, डायटॉमिक एंड लीनियर पॉलीएटॉमिक एक जैसा होगा। एंड नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक की बात करेंगे तो पर मॉलिक्यूल कितना होता है, 6 × 1/2 kVT। तो ये हो गया 3 kVT। एंड पर मोल की बात करेंगे तो थ्री आर टी हो जाए। इन जनरल हम बात कर लें, इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल क्या होगा, F × 1/2 kVT। एंड इंटरनल एनर्जी पर मोल की बात करेंगे तो F × 1/2 RT। ये याद रखोगे। कल हम लोग थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एक बार पढ़े तो होंगे आप लोग। चलो रिकैप हो जाएगा, ध्यान रखें। जी बच्चे बोलो, हाय ना, चलो, थैंक यू।
आज यहाँ पे रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे।